तो इसीलिए आपको कंटिन्यूसली प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर करनी चाहिए इफ़ फ्यू पीपल आर वैक्सीनेटेड और अगर बहुत कम लोगों को आपने वैक्सीनेट किया तो उसके बाद क्या होगा कि मोर लाइकली टू ट्रांसमिटेड तो फिर क्या होगा कि ये ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो जाएगी यानी अगर कम लोगों को आपने वैक्सीन की हुई है तो ज्यादा लोगों में बीमारी फैल सकती है तो आपको सबको वैक्सीन करना है एंड प्रोटेक्ट्स पीपल हु ट्रेवल टू अदर कंट्रीज इसके अलावा आपके जो रेजिडेंट्स है कंट्री की अगर वो बाकी कंट्रीज में जा जाए तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे तो इसीलिए कंटिन्यूसली आपको जो है वैक्सीनेशन वो करनी चाहिए उसके

Immunity. लेकिन अगर हम बजाय इसके डायरेक्ट एंटीबॉडीज डाल दें कि बॉडी को काम ही ना करना पड़े तो बॉडी काम नहीं करी आप बने बनाए एंटीबॉडी दे रहे हो तो इसका मतलब बॉडी एक्टिव नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी तो कैन आई सजेस्ट वाई द एंटीबॉडीज मस्ट बी इंजेक्टेड रादर देन टेकिंग बाय माउथ सबसे पहले क्वेश्चन ये कि बताएं उनको इंजेक्ट क्यों करना चाहिए उनको माउथ से भी तो ले सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर एंटीबॉडीज क्या होती हैं दे आर नेचर विच कैन बी डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कनाल चूंकि प्रोटीन्स है तो एलिमेंट्री कनाल इनको डाइजेस्ट कर लेगी ऑल्सो इंजेक्शन इज डायरेक्ट रूट टू इन्फेक्शन इंजेक्शन जो आप ब्लड में डालोगे डायरेक्ट पहुंच जाएगी इन्फेक्शन तक तो ये एक क्वेश्चन आया था कि बताएं बाय माउथ क्यों नहीं लेनी चाहिए दूसरा कह रहे हैं कि एक्सप्लेन बाय पैसिव इम्यूनिटी डज नॉट गिव लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज बताएं पैसिव इम्यूनिटी इतना अरसे तक डिजीज अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्यों नहीं देती सच एज मैनजाइटिस तो क्यों नहीं देती नंबर वन नो एक्टिव इम्यून रिस्पॉस इसमें कोई एक्टिव इम्यून रिस्पांस तो नहीं हुआ था क्योंकि आपकी बॉडी को बने बनाए प्लेट में पड़े मिले थे एंटीबॉडीज़ तो जब आपको बने बनाए एंटीबॉडीज मिलेंगी तो क्या कोई मेमरी सेल्स बनेंगे नहीं सो नो मेमरी सेल्स प्रोडक्शन जब मेमोरी सेल प्रोडक्शन नहीं हुई तो आपकी बॉडीज है वो सिर्फ यही एंटीबॉडीज़ जो मिले हैं वो यही यूज़ करेगी और कुछ अर्से बाद ये एंटीबॉडीज़ ब्रेक डाउन कर जाएगी तो एंटीबॉडीज़ आर ब्रोकन डाउन इन द बॉडी तो एंटीबॉडीज़ आर नॉट ऑफ बॉडीज़ इम्यून सिस्टम क्योंकि बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम के नहीं है तो कुछ अर्से बाद उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे तो इसीलिए बार बार पैसिव इम्यूनिटी में फिर आपको बार बार इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे तो बेहतर है वैक्सीनेशन की जाए फिर एक नोट याद रखिएगा कि मदर्स मिल्क कंटेन्स एंटीबॉडीज सो द चाइल्ड गेट्स पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम मदर इनिशियली अच्छा एक बेबी होता है जब वो पैदा होता है उसके अंदर तो आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि उसको एकदम मतलब वो किया जाए Uh, उसको डिजीज़ लगे उसके बाद वो तो उसको मदर मिल्क क्यों दिया जाता है क्योंकि मदर मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज़ होता है वो क्या कहते हैं कि वो इनिशियली जब तक उसका अपना इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था एज 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 ओन इम्यून सिस्टम इज़ नॉट डेवलप्ड येट तो जब तक उसका अपना इम्यून सिस्टम डिवेलप नहीं हुआ होता तब तक मदर के मिल्क जैसे एंटीबॉडीज़ मिलती हैं इन अदर वर्ड्स उसको क्या मिलती है पैसव इम्यूनिटी तो दोबारा क्लियर करते हैं जब आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन किसे कहते हैं या एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं जब आपकी बॉडी में पैथोजन डाला जाए या आपकी बॉडी और आपकी बॉडी खुद बनाए तो जब खुद बनाएगी तो क्या होगी एक्टिव इम्यूनिटी लेकिन अगर इसके आप डायरेक्ट एंटीबॉडीज डाल दो तो खुद बॉडी कुछ ना करे तो वो क्या होगी पैसिव इम्यूनिटी सो दीज आर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटीज मदर्स uh, मिल्क पे बच्चा एक क्वेश्चन आया है कि ह्यूमन मिल्क कंटेन्स एंटीबॉडीज ह्यूमन मिल्क में एंटीबॉडीज होती हैं एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ एंटीबॉडीज टू द न्यू बॉर्न बताए कि एंटीबॉडीज के न्यू बॉन पर क्या बेनिफिट्स होंगे तो क्या बेनिफिट्स हैं थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है नंबर वन इट गिव्स पैसिव इम्यूनिटी ये क्या प्रोवाइड करती है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है विच डिफेंस अगेंस्ट पैसोजन जिसकी वजह से पैथोजन से वो क्या रहता है महफूज रहता है इफ मदर हैड अ डिजीज अगर मदर को कोई डिजीज थी शी फॉर्म एंटीबॉडी ज गैस्ट्रेड तो मदर ने अपनी बॉडी में अपने लिए क्या बनाया था एंटीबॉडीज द चाइल्ड विल हैव दीज एंटीबॉडीज तो बच्चे को तो वो तैयार मिल जाएंगे ठीक है तो ये फायदा है मदर के का टू द चाइल्ड अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंसेस क्या है और ये बहुत मेजर क्वेश्चन है और ये सिक्स मार्क का आ चुका है तो कह रहे कि एक्सप्लेन हाउ एक्टिव इम्यूनिटी डिफर्स फ्रॉम पैसिव इम्यूनिटी बताए एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है और ये सिक्स मार्क का क्वेश्चन आ चुका है तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है तो अब बच्चा एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है एक्सपोजर टू द एंटीजन after infection from a pathogen. एक्टिव इम्यूनिटी कभी होती है जब आप एक्सपोज होते हो किसी एंटीजन पे जो कि एक पैथोजन के ऊपर होता है इम्यून रिस्पॉन्स अकृत और क्या रिस्पॉन्स अगर होता है इम्यून रिस्पॉन्स अगर होता है और इसकी वजह से एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी ड्यू टू मेमरी सेल्स और फिर वो जब बैक्टीरिया मर जाता है कोई पैथोजन मर जाता है तो मेमरी सेल्स बनते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है लेकिन रिस्पॉन्स इज़ स्लो ऑन द फर्स्ट एक्सपोजर शुरू में रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन रहे होते हैं बट रैपिड आफ्टर सेकेंड एक्सपोजर लेकिन जब दोबारा तो आपको बीमारी होगी फिर रिस्पांस क्या होगा बहुत रैपिड होगा पैसिव इम्यूनिटी को देखें तो इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज एक्वायर्ड फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल इसमें दूसरे इंडिविजुअल से एंटीबॉडीज लिए जाते हैं कैसे जैसे मदर का ब्रेस्ट मिल्क हो गया या इंजेक्शन किए जाते हैं किसी इंजेक्ट किए जाते हैं किसी की एंटीबॉडीज इसमें क्या होता है इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी लेकिन इसमें रिस्पॉन्स क्या होता है शुरू में क्विक होता है तो दीज आर द डिफ्रेंसेज विच आर रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का वो है एक नोट में याद रखिएगा कि समटाइम्स इम्यून सिस्टम एक्ट एबनॉमली समटाइम्स इम्यून सिस्टम जो एबनॉमली एक्ट करता है एंड अटैक्स बॉडीज़ ओन ऑर्गन और अपने ही ऑर्गन को अटैक करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इसको हम क्या कहते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे कैसे होता है ये फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स ऑफ आईलेट्स ऑफ लांगे हाँ इन पैंक्रियाज इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने डायबिटीज़ में पढ़ा था कि हमारे पैंक्रियाटिक सेल्स को बॉडी डिस्ट्रॉ कर देती है जिससे हमें डायबिटीज़ हो जाता है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ़ सेल्स ऑफ आईलेट्स ऑफ लांगर हैंड इन पैक्रियाज रिजल्टिंग इन टाइप वन डायबिटीज़ तो ये भी एक आपके ऊपर एम सी क्यूज आ सकता है कि बताएं कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है और ये कैस क्या हमारी बॉडी पर अफेक्ट करता है तो यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सर्क्यूटरी सिस्टम ख़त्म होते हैं आई जी सी एस सी के अब हम बाकी कॉन्प्टीडियोज़ में देखेंगे इन शाला